मंच पर विराजमान समस्त धर्म के गुरुगण, कारीगण, रोटेरियंस और विभिन्न धर्मों के पधारे जयपुर के निवासीगण, मीडिया के वर्ग, हम सब इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि इतने धर्मों के मठाधीश यहाँ पधारे हैं। सबके सब व्यस्त रहते हैं और इतने व्यस्त लोगों को एक मंच पे एक समय लाना काफी कठिन है और सबको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये एक चीज प्रकट करता है कि सारे धर्म को गुरु भी ये जो तीन मुद्दे चिन्हित किए गए हैं उसको कितनी प्राथमिकता देते हैं कि सब ने समय निकाल के यहां पधारे। हम सब लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं पर एक ही शहर में रहते हैं। ये शहर हमारी पहचान है, ये शहर हमारी शान है और अगर हमारी ये पहचान और शान है तो हमारा कुछ कर्तव्य और दायित्व भी बनता है कि ये शहर ऐसा हो जिसको हम गर्व से तो कहें कि हम जयपुर के हैं या कोई और शहर हो वो वहां के लिए बोले। इसमें सबका योगदान आवश्यक है। जो तीन मुद्दे लिए गए हैं ये अहम मुद्दे हैं। ट्रैफिक, एक तो आवागमन वैसे ही सही होना चाहिए बट प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करने से आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, जो आम क्राइम से हत्या होती है। आप ये सोचो उससे 10-19 अधिक लोग मरते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो ये गंभीर विषय है। आपने जैसे देखा होगा आपको कहीं एक स्थान से दूसरी जगह या किसी जहां भीड़ हो जाना हो, अगर भीड़ लाइन से चल रही है आपको 2 मिनट में पार कर जाओगे। और अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपना सोचे कि वो दरवाजा दिख रहा है मैं कैसे सबसे पहले उधर पहुंचूं, कोई इधर से घुसा कोई उधर से घुसा, सारे जैम और आपस में करते हैं और धक्का मुक्की होती है और एक लाइन में निकलेंगे इतने सारे लोग आपको 1.5 मिनट से ज्यादा यहां नहीं लगेगा। यही ट्रैफिक का है कि हम ये देखें कि हम सारी कड़ी का एक भाग हैं। हम सब नियमित रहेंगे अच्छा रहेगा। स्वच्छ शहर किसको नहीं पसंद, स्वच्छ लोकैलिटी किसको नहीं पसंद, लेकिन हम ये सोचते हैं ये करने का दायित्व नगर निगम का है। गंदगी है तो हम कोसते हैं कि सफाई की व्यवस्था सरकार या नगर निगम नहीं कर रही, पर ये गंदगी ना नगर निगम डाल रही है ना सरकार डाल रही है, ये गंदगी बाहर हम ही डाल रहे हैं। उसको हम किस प्रकार से साफ रखें, हम अपनी हैबिट्स किस प्रकार से बदलें। और प्लांटेशन, आप जानते हो सिटीज में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, आपका उससे वातावरण भी स्वच्छ रहता है। पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि तीन प्राथमिकताएं इसमें पैसे लगते हैं। ये तीनों चीजें हैं कि हम एज अ नागरिक अगर अपने ऊपर ले लें तो ये हम इसकी तस्वीर और स्थिति बदल देंगे शहर की। और यदि आपको अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, 1947 में भारत आजाद हुआ, हमारे पड़ोसी कुछ राज्य थे जिनकी आर्थिक स्थिति और विकास की स्टेज काफी हमसे कम थी। आपके दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यहां तक थाईलैंड ले लीजिए। आज उन देशों में जाओ, उनके शहरों में जाओ, क्या स्वच्छता है, क्या विकास है, वही के लोग हैं।
और एक और विचारणीय बिंदु है, हम जब बाहर जाते हैं देशों में तो हम नियंत्रित जाते हैं और वही हम यहां हैं, अभी मेरा राशन खत्म हुआ जो कागज है ये करके ही हम डाल दिया बाहर, ऐसा क्यों? हमें यहां ज्यादा पर्टिकुलर रहना चाहिए बिकॉज यहां तो हम पूरे टाइम रहते हैं। मेरा अंत में समस्त धर्म गुरुओं से ये निवेदन है, सब लोग यहाँ पधारे, अपील पे साइन किया और फोटो खिंचवाई, इसका पोस्टर लग जाएगा पर इससे ज्यादा असर नहीं आएगा। मैं आपको भी बता दूं, सरकार नियम बनाती है ना, पर उसको आप लोगों का प्रभाव रहता है लोगों पे, और असर तब आएगा जब आप जो भी प्रवचन अपने फॉलोअर्स को करो इन चीजों को प्राथमिकता पे लाओ। एक दूसरी चीज, आपका धार्मिक स्थल जहां भी हो केवल उस परिसर में नहीं, उस थोड़ी लोकैलिटी में एक अलग प्रकार की स्वच्छता सुनिश्चित करवाइए अपने फॉलोअर्स से, जिससे आपके स्थल की पहचान हो। हाँ यहां ये है, देखिए इसके आसपास जो रोड की कमियां ये इन्होंने अडॉप्ट किया है फॉलोअर्स ने, आज 20 से अधिक आए। अब शुरुआत यहां से करिए, आप अपने अपने परिसरों को और उसके एरिया को मॉडल बना दीजिए कि एक तिनका नहीं दिखे। अब देखेगा पूरा धीरे धीरे शहर ऐसा होता चला जाएगा। धन्यवाद।